उत्तराखंड विधानसभा का सत्र कल 5 फरवरी से शुरू हो रहा है, जिसको लेकर सभी वर्गों को सरकार से बड़ी उम्मीद है कि जनहित को लेकर इस सत्र में कुछ राहत मिलेगी। वहीं जनपद रुद्रप्रयाग में व्यापारी वर्ग खासा परेशान नजर आ रहे हैं। जिला उद्योग व्यापार संघ के महामंत्री चंद्रमोहन सेमवाल और नगर व्यापार अध्यक्ष राय सिंह बिष्ट का कहना है कि सरकार इस विधानसभा सत्र में व्यापारियों के हित को ध्यान में रखते हुए कुछ निर्णय लेगी, क्योंकि जिस प्रकार ऑनलाइन बिजनेस के कारण बाजारों में व्यापारियों के धंधे प्रभावित हुए हैं, वहीं गरीब और छोटे व्यापारी परेशान हैं। ऐसे में सरकार को व्यापारियों के हित को गंभीरता से लेना होगा। इसी के साथ ही छोटे व्यापारियों का भी बीमा किया जाना चाहिए। वहीं रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी ने कहा कि विधानसभा का ये विशेष सत्र महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें समान नागरिक संहिता विधेयक सदन में पेश होगा। रुद्रप्रयाग से संवाददाता सत्यपाल ने की रिपोर्ट। एक पूरी संभावना है इस बात की कि इस सत्र में जो समान नागरिक संहिता का बिल संभवतः पेश होगा, और इस तरह से उत्तराखंड पूरे हिंदुस्तान का पहला राज्य बन जाएगा जहां पर यूसीसी समान नागरिक संहिता लागू होगी। तो बहुत ही उत्साहित हैं सभी विधायक इस बात को लेकर के कि उत्तराखंड जो है वो देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जो समान नागरिक संहिता को लागू करेगा। मेरी यह आग्रह है सरकार से, यह मांग है कि हमारे छोटे व्यापारियों को भी मद्देनज़र देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, उनके हित के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ लाएं। और दूसरी बात यह है कि जो ये ऑनलाइन का है, इस ऑनलाइन के कारण जो है हमारा जो है व्यापार जो है बहुत प्रभावित हो चुका है। जो भी सामान जो है ऑनलाइन से ऑनलाइन द्वारा आ रहा है तो उससे हमारी व्यापारी बहुत प्रभावित हो रहे हैं। तो मेरी सरकार से यह मांग है कि ऑनलाइन का जो ये काम है जो है इसको बंद किया जाए। जो निचले तबके के हैं और मध्यम वर्ग के जो है व्यापारी हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि बजट सत्र से जो है उनको कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि सरकार ने जो है सारा ऑनलाइन कर दिया है। जीएसटी हम लोग भर रहे हैं और जो है सरकार जो है इस पर प्रतिबंध लगा देती है तो निश्चित तौर पर जो है सभी व्यापारियों का जो है उत्तराखंड के अंदर फ़ायदा हो सकता है। नंबर एक। नंबर दो जो है छोटे व्यापारियों का बीमा होना चाहिए, बड़े जीएसटी वाले व्यापारियों का तो सरकार ने बीमा कर दिया है, लेकिन छोटे व्यापारियों को अगर अकस्मात कोई घटना घट जाती है तो उनको कुछ सहायता सरकार की तरफ से नहीं मिलता, इसलिए जो है उनका भी बीमा होना चाहिए।